हरे कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य, आपका लक गुरु। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। आज है दिन बुधवार, तो बुधवार के दिन गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो आज हम आपको ऐसे मंत्र बताएंगे जो मात्र 11 दिन पूजा करने से आपका झोली खुशियों से भर देंगे भगवान श्री गणेश जी। और यह तीन मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा, तो एक मंत्र आप लिख लीजिए। इस मंत्र के जपने से क्या होता है कि आपके सारे रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी, विरोधी परास्त होंगे, और जो अर्थ के क्षेत्र में जो प्रयास करते हैं उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मंत्र लिख लीजिए, मंत्र को कहते हैं गणेश गायत्री मंत्र। मंत्र है, लिख लीजिए आप, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात। इस मंत्र को गणेश गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। दोबारा आप लिख लीजिए, इस मंत्र को दोबारा लिखिए। मंत्र है, आप पेन कागज ले लीजिए। मंत्र है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात। इस मंत्र को गणेश गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। इस मंत्र का आप जिस उद्देश्य से अगर पवित्र भावना के साथ आप जप करते हैं, एक माला, तीन माला, जितना भी जप करते हैं, तो आपकी सारी उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जो आप सोचते हैं कि मुझे लाभ मिले तो लाभ मिलेगा। तो इस मंत्र का आप जप करने से क्या होता है कि आपके ग्रह जो प्रतिकूल ग्रह है वो आपके अनुकूल होने लगते हैं, और भगवान श्री गणेश की विशिष्ट कृपा आप पर बरसेगी, और गणेश गायत्री मंत्र के जब से व्यक्ति के भाग्य में बदल जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है और प्रतिकूल ग्रह अनुकूल होने लगता है और उसके सारे कार्य अच्छे होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मंत्र की। दूसरा मंत्र है, इसको बोलते हैं तांत्रिक गणेश मंत्र। यह मंत्र अपने आप में बहुत अच्छा मानते हैं, और इस मंत्र से आपकी सारी समस्याओं का, अगर आप घोर संकटों में हैं और आपकी परेशानियां चारों तरफ है, तो इस मंत्र के पढ़ने से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। मंत्र लिख लीजिए, ओम ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लौम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करौम दूर कलेश। इस मंत्र को पढ़ने से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। 11 दिन तक इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं तो आपके जो जीवन है, जीवन में काफ़ी परिवर्तन आता है, और आपके जो क्लेश हैं, जो दुख है, परेशानियाँ समाप्त होगी। धन धान्य संपत्ति समृद्धि खुशियाँ वैभव पराक्रम विद्या और शांति आपको प्राप्त होती है, जीवन में बड़ा लाभ होगा। इस मंत्र के प्रयोग से आपके सारे आपके जो संकट है उसका निदान होगा। तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूर्ण सात्विकता के साथ इस मंत्र का प्रयोग करना है। क्रोध, इसमें आपको अवॉइड क्या करना है, क्रोध नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, और अपना आचरण और व्यवहार पवित्र रखना है, और अपने को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और आप तीसरा मंत्र लिख लीजिए। तीसरा मंत्र है, आप लिखिए, गणेश कुबेर मंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ओम नमो गणपतये कुबेर दिग्दिद्धो फ्रंट स्वाहा। यह मंत्र अपार लक्ष्मी देने वाला मंत्र है। इस मंत्र से गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश कुबेर मंत्र के नाम से जाना जाता है, और 11 दिन तक अगर आप लगातार इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, एक माला, तीन माला, तो आपके व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आएगा, आपके धन बढ़ेंगे, और आपकी जो परेशानियां वो समाप्त होगी, और जीवन में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, आपको अच्छा लगेगा। और अब बात करते हैं, आपने देखा कि गणेश जी के तीन मंत्र पढ़ने से, पूजा करने से 11 दिन लगातार आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, मैंने बताया। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 11 जुलाई 2018, त्रयोदशी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, दिन बुधवार है, और आज चंद्रमा रहेगा वृष राशि में। राहु काल है 12:26:26 से लेके 14:10:20 तक रहेगा, और उत्तर दिशा का दिशा शूल है, यात्रा करने से परहेज करें। आपने जाना आज का पंचांग। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों का, कि इनका समय कैसा रहेगा, वर्ष कैसा रहेगा, आपको क्या उपाय करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों की। तो आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है,
आज का दिन खास इसलिए है कि आज आपका बर्थडे है, आज आपका जन्मदिन है, तो जन्म तारीख क्या है 11 जुलाई। 11 जुलाई के जो जातक जन्म लेते हैं आज हम बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि आज जिनका जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष बहुत ही अच्छा हो, आपको धन मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले। भगवान से प्रार्थना है कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें। अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों का। तो जिनका जन्म होता है तो मूलांक दो होता है। मूलांक दो क्या होता है? 2, 11, 29। तो जो दो तारीख के लोग होते हैं, 2, 11, 20 और 29 तारीख, तो 2 का 2 हो गया, 11 का 1+1 हो गया, और 20 का 2+0 2, और 29, तो 29 का हो गया 1, 1, 2। तो इस तरीके से इनका मूलांक हुआ 2। तो जो 2 तारीख के जन्मे जातक होते हैं उनका मूलांक 2 होता है। ऐसे जातक बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सहज होते हैं, इमोशनल होते हैं, बड़े ही संवेदनशील होते हैं, और इनके स्वभाव बड़ा अच्छा होता है। ये अति महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। ये बड़े अच्छे समाजसेवी होते हैं और ये बड़े लोकप्रिय होते हैं, और आंदोलन करने में इनका बड़ा भूमिका रहता है। नेतृत्व करना इनके रग रग में रहता है कि नेतृत्व कैसे किया जाए। आंदोलनकारी होते हैं, और इनका जो बाह्य व्यक्तित्व होता है वही आंतरिक व्यक्तित्व होता है, और बड़े ही सिंपल होते हैं, सहज के लिए सहज, जटिल के लिए जटिल, तो ये इनका स्वभाव होता है। आइए जान लें कि इनका वर्ष कैसा रहेगा। तो जो इनका वर्ष रहेगा, यह वर्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इस वर्ष आपका भाग्योदय होगा और आपके रुके हुए सारे कार्य संपन्न होंगे, आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा, और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जनप्रियता बढ़ेगी, और आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, नया काम मिलेगा, नया रोजगार खोल सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आप अपने जो समय है उस समय को आप कैसे सदुपयोग करें, इस पर देखना। दूसरी चीज़ कि भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना, थोड़ा जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लें, दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें। आज आपको दिमाग का प्रयोग करना है, और आपको उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जित कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको दूध पिलावें या दही खिलावें, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और किसी सुहागन को सुहाग की अगर चीज़ें दान देते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। आपने जाना आज के दिन जन्मे जातकों का कैसा रहेगा भाग्य, ये मैंने बताया। अब बात करेंगे हम राशियों के बारे में, तो हम शुरुआत करेंगे प्रथम 3 राशियों की। प्रथम 3 राशियाँ क्या हैं? मेष, वृष, मिथुन। तो बात करते हैं, आइए मेष राशि की। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि की। तो प्रथम राशि मेष राशि। तो जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपकी जो इच्छाएं हैं पूर्ण होने का समय चल रहा है। आपको चतुर्दिक क्षेत्र से लाभ होगा, चारों तरफ से लाभ होगा, जिसके मन आपका खुश रहेगा। धन के क्षेत्र में आज आपका वृद्धि का योग बन रहा है, मालोमाल होंगे, नया व्यापार का योग बन रहा है, और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा चल रहा है, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। और आपका जो केतु मंगल दशम भाव में, तो आज आपको ध्यान रखना है कि जिस संस्था में आप काम करते हैं आपके विरोधी सक्रिय होंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, इससे आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इच्छा शक्ति, आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बहुत आगे बढ़ेंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। और इसके लिए क्या करना है? पिता से राय लें और अपने पिता की बात मानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? एकाग्र होकर आज अपने कार्यक्षेत्र में लग जाएं, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? असहाय लोगों की मदद करें, आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1 है और शुभ रंग आपका लाल है, और लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान मिलेगा, और यदि आप साहित्य सृजन करते हैं, लेखन करते हैं, तो आज आपको धन मिलने की संभावना बन रही है। परिश्रम से आज आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, और जो आप काम करें उसमें अच्छा फल मिलेगा, संभावनाएं बहुत अच्छी है। आध्यात्मिक विकास होगा, आज आपको राग द्वेष से मुक्त होंगे, यात्रा का तीर्थाटन का योग बन रहा है, आपको लाभ ही लाभ दिख रहा है। और आपको क्या करना है कि लग्न में चंद्रमा है, तो लग्न में चंद्रमा व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बातें आपको बहुत हर्ट करेगी, तो इस पर नहीं ध्यान देना, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दें, और कौन क्या कहता है उसके बिना परवाह किए आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़िए, बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, और धनागम भी होगा। और आज आप क्या करें? उपाय कि भगवान शिव जी को आप क्या करें कि बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय लिख के, बहुत अच्छा रहेगा। सावधानियाँ क्या बरतनी है? गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? गरीब व्यक्ति को अगर आप पीला वस्त्र
देते हैं, गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7 है और शुभ रंग आपका बैगनी है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपको जो प्रयास कर रहे हैं, जो कार्य बहुत दिन से रुका हुआ है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने का योग है। परिवार में नए मेहमान के आगमन की भी संभावना बन रही है। पत्नी का सुख प्राप्त होगा और चतुर्दिक लाभ होगा। मन अति प्रसन्न रहेगा। और आज आपके जो 12वें चंद्रमा है, तो ये ध्यान रखना कि आपका अचानक यात्रा होगा, यात्रा से मन आपका खुश रहेगा। द्वितीय भाव में राहु शुक्र और जो पंचम का बृहस्पति है, वो क्या करता है, आपकी आइडिया, जो फर्टाइल आइडिया इंप्लीमेंट कराएगा और आज आप कीमती राय देंगे। तो लोगों को राय देना मत भूलिए, राय दीजिए। और एक काम और ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई है या बुआ का लड़का है, तो उसकी मदद करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उपाय क्या करना है, मंदिर में पीला वस्त्र अगर दान करते या पीली वस्त्र दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका शुभ अंक 6 है, शुभ रंग से ग्रीन है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। आइए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि उसको सही दिशा में लगाएं। आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और विद्यार्थियों के लिए जो कैरियर है, उनका कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपके जो आपके साथ जो खड्यंत्र कर रहे हैं, खड्यंत्रकारी विफल रहेंगे, तो इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि श्री गणेश जी की आराधना करें। और आपके लिए शुभ अंक 8 है और जो शुभ रंग है वो केसरिया है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको नया व्यापार, नया व्यवसाय से लाभ मिलेगा और विदेश में भी जाने का योग बन रहा है। विदेश हो सकता है, कोई नया व्यापार करने का अवसर भी मिल सकता है, तो उसको अगर मिलता है तो देखने की जरूरत है। अगर लगता है आपके लिए फेवरेबल तो करना चाहिए, आपके लिए हितकर रहेगा। साहित्यिक क्षेत्र से आज आपको लाभ मिलेगा, अच्छा कर सकते हैं, साहित्यिक साधन बढ़ेगा। और न्यायालय में अगर आज आप कोई कार्य करें तो उससे आज आपको लाभ मिलेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, सोच समझ के काम करें, जल्दबाजी में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। उपाय क्या करना है, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। कहाँ अर्पित करना है, दुर्वा गणेश जी को सर पर अर्पित करना चाहिए, पैर पर नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। और आपके लिए शुभ अंक 5 है, शुभ रंग मैरून है और जो आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको लेखन से लाभ मिलेगा, साहित्य के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और जमीन जायदाद से भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपको संतान सुख मिलने की भी संभावना है। विद्यार्थियों के करियर के लिए उत्तम समय चल रहा है। और आज आपको ध्यान रखना है कि आपके कर्म क्षेत्र में कोई विरोध कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। हो सके तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेगेटिव दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। और आज आपको उपाय क्या करना है, गरीब व्यक्ति को भोजन करावे, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी, रोजगार में आपको लाभ मिलेगा और आयात निर्यात की संभावनाएं बन रही हैं। परिवार में शुभ कार्य होने का योग है और आपको आज कई ऐसे कार्य हैं जिससे अचानक धन लाभ मिलने से आपका माली हालत सुदृढ़ होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और लग्न में बृहस्पति होने से क्या होता है कि व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपको छोटी छोटी बातें हर्ट करती है। आप कब किससे चिढ़ जाएंगे कोई भरोसा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें, ठीक रहेगा। और इसके लिए क्या करें कि पीला वस्त्र या पीला हल्दी अगर आप गिफ्ट करते हैं या कहीं दान करते हैं तो अच्छा रहेगा, या अपने पर्स में पीला हल्दी रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आत्मसम्मान को लेके चिंतित न हो, पॉजिटिव सोचें। उपाय क्या करना है, उपाय करना है कि पीली वस्तु का जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 7 है, शुभ रंग पीला है और लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से धन लाभ मिलेगा, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, भाई बहन से सुख प्राप्त होगा, नए कार्य और नए उद्योग से आपको धन मिलेगा। खिलाड़ियों के लिए
बहुत अच्छा समय चल रहा है और जो भी आप कार्य कर रहे हैं समय पर आज आपको लाभ मिलेगा। और आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि वाणी पर कंट्रोल करें और आपके अष्टम में सूर्य है तो अष्टम में सूर्य से क्या होता है कि आज आपको कोई तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकता है, तो इससे चिंतित मत होइए। आप सीधा काम करिए, जो भी टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करिए बढ़िया रहेगा। और आपका जो बड़ा है, भाई है, बहन है या आपका गुरु जी हैं, उनकी राय लेना न भूलें, उनकी राय लेके करें। सावधानी क्या बरतनी है, अपने आप पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी खिलावे अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग केसरिया है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब बात करते हैं धनुराशि की। तो जो धनुराशि के जातक हैं आज आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है। संपादन एवं संपादकीय कार्य से आपको लाभ मिलेगा और देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और आज आपको सावधानी बरतना, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत ना हो और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में लगावें और अपने समय, आपका जो समय है बहुत ही अनुकूल है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना बड़ा आपका भाग्य होगा, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, भाग्य आपके अनुकूल है। आज आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई परेशान भी करे तो परेशान होकर जुड़ते हैं, अपनी सही दिशा में लगावें, गुस्सा पर नियंत्रण करना है। और आपका जो केतु और मंगल द्वितीय भाव में बैठा है ये वाणी को थोड़ा सा कटु बुलाता है, तो आप परिवार में किसी भी मेंबर से लड़े ना, झगड़ा ना करें। उसके लिए क्या है कि आज आप सफ़ेद लाल वस्तु का अगर दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है, गौशाला में गाय को पूड़ी खिलावें बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग आपका नीला है और लक मीटर 6 है। हरे कृष्ण। अब बात करते हैं गुरु के नुस्खे के बारे में। तो आज हम आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे कि जिससे आपकी अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है और आप बात बात में चिड़चिड़े हो जा रहे हो, बहुत परेशान है, आपको लगता है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है कि आप प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो अपने माता जी का चरण स्पर्श करिए और एक मंत्र लिख लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पतये नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नियमित अगर आप जाप करते हैं तो इस पर आपको गुरु जी की कृपा होगी, बृहस्पति देव की कृपा होगी, जो विद्या के अधिपति माने जाते हैं, और आपकी परेशानियां खत्म होंगी और आप जो पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और माँ के आशीर्वाद से क्या होगा कि जो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है, जो आपका कंसंट्रेशन जो भंग हो जा रहा है, उस एकाग्रता में वृद्धि होगी। ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ये छोटा सा उपाय कर लेने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। तो बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं आज आपको गुस्सा पर थोड़ा सोच समझ कर रहना है, गुस्से पे निर्णय लेना है, गुस्से में कोई और क्रोध में निर्णय नहीं लेना है क्योंकि वो निर्णय आपका खराब हो सकता है। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, शुभ कार्य की योग बन रहा है और जो योजना बना रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। जमीन एवं वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। रोग एवं शत्रु परास्त होंगे और नए तरह के कार्य से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और आज आपको ध्यान रखना है कि केतु मंगल लग्न में आपका जो वक्री है ये क्या करता है कि आपके मन को तनाव में रखेगा, मन को उद्विग्न रखेगा और निगेटिव थॉट में ले जाएगा। तो आज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं तो पिता का साथ लें, उनकी राय माने, गुरु जी की बात माने और किसी की थर्ड एडवाइस लेके कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए क्या करना है कि अपने गुरु माता को अगर कोई वस्त्र पीला गिफ्ट करते तो अच्छा रहेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी, अत्यधिक व्यय करने से बचना है। और उपाय क्या करना है, अनाथालय में अगर आज आप पुस्तक दान करते हैं या किसी को अन्न दान करते हैं अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग नीला है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है, भाई बहन के लिए बड़ा अच्छा है, रोजगार के अवसर मिलेंगे, नए व्यापार के भी अवसर मिलेंगे, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए यह समय सर्वोत्तम चल रहा है। तो इधर जो आप प्रयास करेंगे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो आज आपको ध्यान रखना है कि आपके किसी व्यवहार से माँ आज आप दुखी ना हो, तो आज आपको माँ को प्रसन्न रखना है। माँ को प्रसन्न कैसे रखेंगे, माँ की आज्ञा को माने, माँ जो कहती उसको ध्यान से सुने और पत्नी से किसी प्रकार का जो विवाद होता है उसमें मध्यम मार्ग अपना करके माँ का साथ दे अच्छा रहेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, बचें
और थोड़ा सा अपने हेल्थ पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि असहाय व्यक्ति को अगर दवा करते हैं, जो कोई बीमार व्यक्ति असहाय है तो उसकी आप दवा कराइए, उसके लिए सहायता करिए, अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग हरा है और लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। तो बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, भावेश में आके कोई कार्य नहीं करना है, और अगर आपको अपनी विद्या और वाणी और कीमती राय से आपको धन लाभ मिलने का योग बन रहा है, और आपकी माली हालत अच्छी होगी, अपने समय का सदुपयोग करना सीखें, और प्रचुर मात्रा में आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। और आज आपको क्या करना है कि आपके चतुर्थ भाव में मिथुन का सूर्य है, तो आज आपकी जो संतानें होंगी बड़ी तेजस्वी होंगी, ओजस्वी होंगी, तो आज आपको कीमती राय दे सकती हैं। तो बच्चों की राय को माने, और स्कूल खुल गया है तो ये देखना है कि बच्चे में कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, कहीं मिसगाइड तो नहीं हो रहे, तो उनको थोड़ा समय दें, इमोशनल सपोर्ट करें। साथ ही साथ आपके धनपत्नी को भी आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और परिवार में सभी लोगों की ज़रूरत है। चूँकि आप घर के मेरुदंड हैं, तो घर में सबकी बात को माने और एक इक्विलिब्रियम बना के अगर काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानियाँ क्या बरतनी है, आलस्य में अपना समय नष्ट न करें। उपाय क्या करना है, चींटी को अगर आटा खिलाते तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला है और लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।